कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन कर रहेगा। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? कश्मीर खुद नहीं आना चाहता इधर, वो कहते हैं पाकिस्तान से अच्छा मैं हिंदुस्तान। और आप बोल रहे हो ना कि आप कश्मीरियों के लिए हम हैं, आपने क्या बोला, आपको तो खुद को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। मैं खुद को क्यों बचाऊंगी, आई एम प्राउड कश्मीरी इंडियन। जब एक कश्मीरी आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को भारतीय बोल रहा है, तो जब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? तुम लाख कह दो कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन हकीकत क्या है कि तुम्हारा ये नापाक हाथ खाली है और खाली ही रहेगा। आप लोग खुद आप अपना मुल्क देखिए, आपके खुद के मुल्क के अंदर आग लगी हुई और आप पीछे पड़े हुए कश्मीर के, और वो भी जो आपकी साइड का नहीं है, वो जो एक्चुअली डेवलप हो रहा है जहाँ पे अच्छी चीजें हो रही है उसके पीछे आप भाग रहे हैं। आपका खुद मुल्क देखो क्या हाल हुआ है जी। ये कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, ये मुझे लगता है फेक वीडियो है। अरे नहीं भाई, फेक नहीं, ओरिजिनल वीडियो है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की वीडियो है जहाँ पर G20 मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये तरक्की कैसे कर गया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं निशन ब्रू। फिजा खान को तो आप लोग जानते होंगे, जब भी वो अपने टीवी चैनल बोल न्यूज के ऊपर कार्यक्रम करते हैं डेली, तो कहीं ना कहीं भारत का मुद्दा लेकर आती हैं और कश्मीर के ऊपर बात करती हैं और चीखती हैं, कहती हैं कश्मीर हम लेकर रहेंगे भारत से, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलती हैं। लेकिन जब पाकिस्तानियों को कश्मीर के अंदर हो रहे डेवलपमेंट की फोटो दिखाई जाती है, वीडियो दिखाई जाती है, तो पूरा चौंक जाते हैं, उनको लगता ही नहीं कि कश्मीर है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। हमारा कश्मीर नहीं, ये इंडिया का कश्मीर है, वहां पे श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बनाई है। ओ ना यार, ओए ओए ओए, मैं नहीं मानता इस चीज को, कैसे हो सकता है ये? यहाँ पर कहते हैं कि कश्मीर हम लेंगे, उनसे आजाद करवाएंगे, वहां पर तो इतना तरक्की की है, क्या वो छोड़कर हमारे पास आएंगे? हम खुद आजाद नहीं है तो कश्मीर को आजाद क्या करवाएंगे? हम खुद आजाद नहीं है। मैं तो कुछ शौक हो गया, मुझे देख के इतना डेवलप कर लिया पाकिस्तान के, आजाद कश्मीर की बात करें वो तो इतना डेवलप ही नहीं है अभी। अभी आप ही चले जाएं, आप देख ले क्या डेवलप हुई है इधर। तो पाकिस्तान उस वक्त तक कश्मीरियों की आजादी की जद्दोजहद में इनके साथ खड़ा रहेगा, याद रखिएगा। जब तक कश्मीरियों को इनका अजली हक नहीं मिलता, जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, कि हमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग जो कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए आप लोग। कश्मीर है भाई, वो हिंदुस्तान का कश्मीर है, सात आसमानों पे है वो इस वक्त। हमें पता है कि हमारे कश्मीर को किस तरीके से चलाना है। आप लोग अपने देश की गरीबी को संभालो, आप लोग अपने देश को संभालो, आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को संभालो, आप लोग आटे चावल संभालो। आप बोल रहे हो ना कि आप कश्मीरियों के लिए हम हैं, आपने क्या बोला, आपको तो खुद को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। मैं खुद को क्यों बचाऊंगी, आई एम प्राउड कश्मीरी इंडियन। यू नो व्हाट, जब मेरे पास वो सब नहीं था ना, जब आर्टिकल 370 से पहले जब हमारे पास हक नहीं था बोलने का, मैं जर्नलिज्म पिछले 8 साल से कर रही हूँ, मैं ग्राउंड जीरो पे जाके काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि कश्मीर की रियलिटी क्या है। सात समुद्र पार आप मुझे नहीं बता सकते कि कश्मीर क्या है, कश्मीर क्या नहीं है। ठीक है, कश्मीर है भाई, वो हिंदुस्तान का कश्मीर है, सात आसमानों पे है वो इस वक्त। हमें पता है कि हमारे कश्मीर को किस तरीके से चलाना है। आप लोग अपने देश की गरीबी को संभालो, आप लोग अपने देश को संभालो, अपने प्राइम मिनिस्टर को संभालो, आप लोग आटे चावल संभालो। That's it, nothing else. इसके बाद तो कुछ खत्म होता है। कभी आसमान ले आती हैं, क्या इतने फासले क्यों बढ़ा रहे हैं? करीब है यार। आप और हम वो नहीं है ना, लाइक मैं कह सकती हूँ कि आप हमारे लाइक नहीं है, सो आप कभी कश्मीर आ नहीं सकते हैं, कश्मीर की रियलिटी देख नहीं सकते हैं। फालतू ही आपको छापना है तो आप छापते रहे, हम दोनों हाथों से सिर्फ आपके लिए तालियां बजा सकते हैं, नथिंग एल्स। जो है वो वहाँ की सिक्योरिटी बड़ी सख्त की हुई है, वहाँ के लोगों की आवाज बाहर नहीं आ सकती, तो हम जैसे लोग अंदर कैसे जा सकते हैं? अरे यार, तुम ऐसे बोल रहे हो कि वहाँ के लोगों की आवाज बाहर, तो मैं वहाँ की नहीं हूँ, मैं कश्मीरी नहीं हूँ। डू आई नीड टू प्रूव माइसेल्फ? मैं आपको पहले अपना आधार कार्ड दिखा दूं कि मैं कहां से हूं? जी ये कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, ये मुझे लगता है फेक वीडियो है। अरे नहीं भाई, फेक नहीं, ओरिजिनल वीडियो है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की वीडियो है जहाँ पर G20 मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये तरक्की कैसे कर गया इतना मुल्क, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है दुबई है। आपने कश्मीर दिखाया मुझे, कटिंग तो नहीं करके आपने साल लगा दी उसकी? नहीं भाई, कटिंग करके एक ही जगह की तो मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई, ठीक है, डिफरेंट जगह की वीडियो दिखाई है। और ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर है जहाँ पे हम कहते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा मजालिम कर रहा है, ये वही जगह। नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लगता मजालिम वगैरह कर रहा है। G20 की जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे,
कश्मीर श्रीनगर में अभी लास्ट टाइम भी आपको पता है मीटिंग हो रही थी, अभी स्टार्ट हो गई मीटिंग उनकी, तो मैं तो कुछ शौक हो गया मुझे देख के इतना डेवलप कर लिया पाकिस्तान के, आज़ाद कश्मीर की बात करें वो तो इतना डेवलप ही नहीं है अभी, अभी आप आप ही चले जाएँ वहाँ देख लें क्या डेवलप हुई है इधर उधर, वैसे भी जो बिजली वगैरह की होगी जितनी भी बिल्स वगैरह वो तो रेट से बहुत ज़्यादा है, गैस का तो रेट देख ले किसी चीज़ का भी रेट से ज़्यादा है। अब हम जम्मू कश्मीर की बात करें मैं तो रान हो गया देख के इतना डेवलप कर लिया, तो मुझे तो ये है कि इंडिया ने तो डेवलप किया और उनको हकदार वही है जम्मू कश्मीर का, हम क्यों कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा कश्मीर बनेगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो अपने घरों के अंदर डरे और सहमे रहते हैं। नहीं यहाँ इस जो वीडियो से लग रहा है ऐसा कि वहाँ पे वो इंजॉय कर रहे हैं रात के टाइम इंजॉय कर रहे हैं, और वो जिस तरह आपको पता है वो जिस तरह खाना पीना वो कर रहे हैं वहाँ पे, वो तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वहाँ पे तशद्दुद होता है जिस तरह हमें बताया गया स्टार्ट से जो हमारी मीडिया बताती है। मुझे तो ये लगता है जो हमारी मीडिया दिखा रही है वो झूठ दिखा रही है, क्योंकि हमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग जो कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए आप लोग, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आपके देश में आपकी कंट्री में हालात ठीक हो जाए, बदतर हो जाए, आपको आपकी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में। मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ ना, एक जर्नलिस्ट को देखने के बाद पता चलता है, जब मैं आपके वहां के पत्रकारों को देखती हूँ ना, सहाफियों को देखती हूँ, मुझे शर्म आती है, ये क्या बोल रहे हैं, इनको थोड़ी सी भी अक्ल है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन की बहुत जरूरत है। मैं तो ऐसा कहूंगी कि अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं यार प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि जर्नलिज्म क्या होता है, एटलीस्ट थोड़ा सोच समझ के तो बोलो। एक देखिए मैं जब भी मैं पाकिस्तान का कोई भी मीडिया चैनल खोलती हूँ, कश्मीर में हुआ आज ये, कश्मीर में हुआ आज वो, कश्मीर में औरतों के साथ बुरा किया जा रहा है, कश्मीर में लड़कियों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा, कश्मीर में इंडियन आर्मी घरों के बाहर खड़ी है। अरे भाई वो तुम लोगों के लिए खड़ी है, अगर तुम लोग बॉर्डर से आओगे हम पे हमला करोगे वो लोग तो तुम्हें ही मारेंगे ना, वो तो तुम लोग के लिए खड़े हैं, तो तुम क्यों कश्मीर की बात कर रहे हो। दोस्तों ये जो पत्रकार बोल रहे थे कश्मीरी पत्रकार हैं, आजकल बहुत सारे जो है आपको कश्मीरी पत्रकार मिल जाएंगे, ब्लॉगर मिल जाएंगे जो घूम घूम कर जो पूरे कश्मीर है उसकी जो है तस्वीर दिखाते कि किस तरीके से कश्मीर डेवलप हो रहा है, वहां पर किस तरीके से रोड बन रहे हैं, किस तरीके से नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी है वहां पर क्या क्या काम चल रहे हैं, जैसे कि जो घंटा घर है वहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसके अलावा जो अन्य अन्य जगहें हैं वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सब वीडियो जो है आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान लोगों के पास में नेट नहीं है इसी वजह से वो फिजा खान की बात मान लेते हैं। अच्छा फिजा खान जब भी शो करती हैं कश्मीर को लेकर या भारत को लेकर तो कहती हैं कि वहां बच्चे निकल नहीं सकते हैं, आर्मी वाले बाहर रोड के ऊपर खड़े रहते हैं, घर के बाहर खड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है और उसके बाद में उनको कभी वापस नहीं किया जाता है, मतलब जो बच्चा 5 साल का है वो भी गायब हो जाता है और 10 साल का है वो भी गायब हो जाता है, इसके अलावा कोई जो है घर से बाहर निकलता है वैसे ही उसको गोली मार दी जाती है। अच्छा जब इन लोगों को इस तरीके की वीडियो दिखाई जाती है तो उनको यकीन ही नहीं होता कि भैया हमें तो फिजा खान बता रही है कि वहां पर कोई घर से बाहर निकलेगा तो गोली मार दी जाएगी, और यहाँ पर करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं, सारी दुकानें खुली हुई हैं, एकदम बढ़िया यूरोप टाइप से जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, लोग घूम रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हम जो पाकिस्तान के लोग हैं ये कहते हैं कि भैया वहां पर तो कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये वीडियो देखकर जाहिर सी बात है कोई भी पाकिस्तानी यकीन नहीं करेगा, लेकिन हकीकत यही है कि कश्मीर अब बदल रहा है। 2019 में जब से धारा 370 हटाई गई है उसके बाद से कश्मीर का पूरा माहौल चेंज हो चुका है। जो युवक पहले बंदूक उठाते थे पाकिस्तान के बहकावे में आकर, धर्म के बहकावे में आकर, आजकल वो सुबह तैयार होते हैं या तो स्कूल जाते हैं या फिर वो काम के ऊपर जाते हैं, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मेहनत करते हैं, अपने बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए मेहनत करते हैं, इन सारी चीजों के लिए वो काम करते हैं, अब वो आतंकवाद से बहुत दूर हो चुके हैं। इसी वजह से फिजा खान या पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी है वो जो है बिलबिलाई हुई है, इस तरीके की प्रोपेगेंडा चलाती रहती है। कश्मीर का इतना डेवलपमेंट हो चुका है, सारी चीजें सही हो चुकी हैं, आतंकवाद नहीं हो रहा है, सब लोग आराम से जी रहे हैं, लेकिन फिजा खान का अगर आप शो देखेंगे तो उसमें यही लगेगा कि पता नहीं कौन से कश्मीर की बात कर रहे हैं। पीओके के हालात आप देख लीजिए, पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, तो ऐसा है कि मतलब रोने वाली ही बातें होती हैं वहां पर मैक्सिमम। हालांकि फिजा खान भी रोती हैं कहकर कि आटा इतना हो गया, मिल नहीं रहा है और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जैसे कश्मीर या भारत की बात आती है तुरंत जो है इनकी टोन जो है चेंज हो जाती है। कश्मीरी पत्रकार आजकल बहुत सारे आ चुके हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, जब ये लोग जवाब देते हैं तो पाकिस्तान
के लोग कहने लगते हैं कि भैया इनको जो है बीजेपी वाले पैसा देते हैं इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं, और वीडियो जो बनाए जाते हैं प्रोपोगंडा वीडियो बनाए जाते हैं इस तरीके की बातें करते हैं। अब जब मानना ही नहीं है तो ये बात वही हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाओ, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए पाकिस्तानियों को समझाना मतलब गधे के सींग निकालने के बराबर है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।